जब फादर अपने बच्चे को छोड़ के जा सकते हैं तो मदर क्यों नहीं जा सकती है? हाँ तो बच्चे के लिए सोचती है, सही बात है। नहीं 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 Hey guys, assalam alaikum and welcome back to my channel and those who all are new to my channel, this is Madina Khan. Salam. So back to work guys, और हम लोग को जाना था, हम लोग को जाना था ओला में जो अवेलेबल नहीं दिख रही थी क्योंकि हमको जल्दी पहुंचना है, तो हम लोग आधा ऑटो और आधा कैब करने वाले हैं क्योंकि हमको पहुंचना है NACI 2। नवीरा का ब्रेसलेट है जो बहुत ही क्लासी लग रहा है। नवीरा कहाँ से लिए तुमने? हाँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड का पेज है। अच्छा, कैसा लगा तुम्हें? मुझे बहुत अच्छा लगा। इसमें पता है एक मैसेज है, मैसेज हो गया काम कर करके ऐसा हो जाता है, क्या करें। इसके ऊपर एक मैसेज है कि हम अच्छे में बुरा, मतलब इट्स अ बैलेंस थिंग, लाइक अ यिन यांग। तो अच्छे में बुरा भी हो सकता है और बुरे में अच्छा भी हो सकता है, वो नजर और नजरिए की बात है। आज तक मैंने ये ब्रेसलेट में ऐसा कभी नहीं सोची जो आज मैंने सोची। तो इट्स गुड थिंग। हाँ, मोटिवेशन है ये जो बैड होता है, बैड ये मतलब उसमें कुछ अच्छा रहता है और जो अच्छा रहता है उसमें भी कुछ बैड हो सकता है। सही बोलिए जी, राइट। बट यिन-यांग का मतलब ही वैसा है ना, तो मैं उसको वैसा देख रही हूं, ब्लैक एंड व्हाइट। ओके ओके, मिलते हैं आपको कैब में, बाय। तो हमको कैब मिल गई है फाइनली, तो हम बैठ चुके हैं। बट ये बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पर, पता नहीं कब पहुँच पाएंगे। हमको पहुँचना था 10:30 को और यहीं पर 10:30 हो रहा है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। अच्छा, कितना टाइम लगेगा पहुँचने में NACI 2? तो माजिन को मैं छोड़ के आई हूँ। उससे पहले दो बार मैं काम पे जा चुकी हूँ और तभी मुझे बहुत ज़्यादा मतलब गिल्टी फील हो रहा था और अजीब सा, मतलब बहुत ज़्यादा एनजाइटी, मतलब बहुत मिक्स फीलिंग थी उस वक्त पे काम करने। बट अभी मेरे को ऐसा कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो बड़ा हो गया है, तो मुझे पता है मम्मी अच्छे से टेक केयर करेंगे उसका और ध्यान देंगे। और मैं पूछना चाहूँगी सबसे, मतलब वन बाय वन, कि चलो पूछते हैं नवीरा। तो सुनो, मेरा सवाल है, जैसे मैं एक माँ हूँ, ठीक है, तो छोटा अपने छोटे बेबी को छोड़ के मैं काम पे आ रही हूँ, तो तुमको तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? छोटे बच्चे को छोड़ के काम पे आना चाहिए कि क्या करना चाहिए? आना चाहिए, सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, तो इट्स गुड टू वर्क। सही है, ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है? हाँ, मतलब अगर उसके बेबी के पास कोई केयर करने के लिए है तो, और अगर उसका बेबी रह सकता है तो, वरना नहीं ना। हाँ, तो बेबी परेशान हो जाएगा ना। हाँ, राइट। तो मतलब अभी बहुत रील चल रहा है कि मॉम्स के लिए, कि जैसे मतलब इंस्टाग्राम पे बहुत रील चल रहा है कि मॉम को गिल्टी फील नहीं करना चाहिए अगर अच्छा कोई टेक केयर करने वाला है, जैसे मम्मी माजेन की नानी, तो उसको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, उसकी भी एक लाइफ है, थोड़ा बाहर निकलो। और अगर मैं काम भी कर रही हूँ तो मतलब माजेन के अच्छे के लिए कर रही हूँ ना, तो ऐसा कुछ रील चल रहा है, तो वही मुझे जानना है पॉइंट ऑफ व्यू कि बेबी को छोड़ के काम पे जाना, मतलब क्या, मतलब सबका पॉइंट ऑफ व्यू है वो जानना था मुझे। आपका बहुत अच्छा लगा मुझे पॉइंट। मैं बोल रही हूँ, जैसे मेरा छोटा बच्चा है, हाँ 19 महीने का है माशाल्लाह, तो अभी पहले मैं काम करती थी, अभी बच्चा हो गया तो नहीं काम कर रही थी। तो आपको क्या लगता है, बच्चे को छोड़ के काम पे जाना अच्छी बात है कि क्या करना चाहिए माँ को? अगर गाइडेंस है, हाँ, आपको तो कंपलसरी जॉब करना चाहिए ना, बच्चे के बेहतर के लिए ही है ना, तो सब कि माँ तो बच्चे के लिए ही सोचती है। सही बात है। चाचा ने भी बहुत अच्छा जवाब दिया। अभी हम जाएंगे काम पे और वहाँ पर भी सबसे पूछेंगे। फिर आपको मिलेंगे। okay.
यहाँ पर है ना एकदम कुंभ का मेला बोलते हैं ना, एकदम ऐसा है। तो हम लोग खो चुके हैं अभी फिलहाल। ये ऐसे ओपन लगा हुआ है ए बी सी डी, अब हम लोग को ए में जाना है, हम लोग ई में चले गए। वाह ये डेकोरेशन कितना अच्छा किया, सबसे अच्छा वो मोर का ये फेदर वाला पर। सो दिस इज माई आउटफिट ऑफ द डे। नवी ना तुम्हारा बताओ, छुपा दिया तुमने। सो मैं बोल रही थी कि बचपन से ना मैं बहुत वर्क एंथुजियास्टिक रही हूँ, मतलब बचपन से आई मीन जब मैं 10th स्टैंडर्ड की थी तब से मैं काम करती हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे अपना मतलब चाहिए ही रहता है। सो बाद में कंटिन्यू करते हैं। सो दिस इज़ माई आउटफिट नंबर टू, मतलब हार्डली हाफ एन आवर लगा है और मुझे चेंज करना पड़ रहा है। तो यहाँ मैं माजिन को बीच बीच में वीडियो कॉल करके चेक कर रही थी, और देखो कितने अच्छे से अपने नाना के साथ खेल रहे हैं। वाह सो विनोद ने हमारे लिए चाय लाया, कॉफ़ी नहीं था। विनोद सुन ना, मेरे एक सवाल था, जैसे न्यू मॉम होती है तो वो अपने बच्चों को छोड़ के काम पे आना सही है या गलत है, क्या है तेरा पॉइंट ऑफ व्यू? क्या है सही है? सही है मतलब ओपिनियन क्या है, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? करना चाहिए, करना चाहिए। ठीक है, ऐसा तो कुछ वो नहीं है ना कि नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। अगर बेबी छोटा है ज्यादा एक साल के नीचे तो नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। एक साल के ऊपर हो गया तो करना चाहिए। ठीक है, तो ये रहा विनोद का पॉइंट ऑफ व्यू। एक सवाल है मेरा, सुनो एक सवाल है, मुझे तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए। जैसे मैं एक मम्मी हूँ, समझे, मम्मी तो काम पे बच्चे को छोड़ के आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो आ सकते हैं, छोटा है तो बुरा नहीं। कितना छोटा, मतलब एक दो साल का बच्चा हो जाएगा फिर तो ठीक है यार, घर वाले भी संभाल सकते हैं। अच्छा ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है? हाँ हाँ ओके। बताइए ना, ये हमारे आशा दी, स्टार्ट करना ही पड़ेगा ना। आशा दी जैसे मैं मॉम हूँ, आप भी एक मॉम हो, तो मैं पूछना चाहती हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ कि बच्चे को, छोटे बच्चे को छोड़ के काम पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए ना, तो इसमें कुछ ऐसा वो नहीं है ना, कर सकते हैं काम। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मैं भी बहुत आए हो ना, आप छोड़ के आए, क्योंकि मेरे घर वाले हाँ अच्छा टेक केयर करने वाले हैं, हाँ अच्छा टेक केयर करने वाला हो तो आप आ सकते हो बाहर, तो इसमें कुछ ऐसे गिल्ट फीलिंग नहीं आनी चाहिए, राइट? ओके, तो ये है आशा दी का पॉइंट ऑफ व्यू। ओके ऑफ कैमरा आशा दी ने बहुत एक बहुत जबरदस्त पॉइंट बोले हैं, आप बोलो आशा दी वापस से। मैं बोल रही हूँ जब फादर अपने बच्चे को छोड़ के जा सकते हैं तो मदर भी नहीं जा सकती। वाओ ये पॉइंट तो एकदम स्टार्ट में आना चाहिए, बहुत अच्छा पॉइंट बोले। बिस्किट क्यों लेके जा रहे हो, खाने दो ना थोड़ा। पॉइंट ऑफ व्यू ले रही हूँ मैं सबका, जैसे न्यू मॉम के लिए, तो जैसे छोटा बेबी है तो उसको छोड़ के काम करना, काम करने आना चाहिए या नहीं आना चाहिए न्यू मॉम्स का जो सोच रही है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? मेरे ख्याल से करना तो चाहिए, काम करना चाहिए, करना चाहिए पर लिमिटेशंस। अच्छा, यू शुड डू इट इन मॉडरेशन। ओके सो गाइज वी आर डन फॉर द डे, और अब हम जा रहे हैं माजिन के पास फाइनली। मम्मी तो मेरा फ़ोन उठा रही नहीं, अभी घर पहुंच के पता चलेगा कि माजिन क्या कर रहा है। और दिन भर जैसे अभी तुमको अपडेट मिल रही थी ना माजिन की, तो वो ठीक था, तो अभी तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू उनको चेंज होने वाला है कि वो ही रहने वाला है जो था? नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वही है, क्योंकि मैं तुम लोगों को बता दूँ, क्योंकि माजिन के पास टेक केयर करने के लिए उसकी नानी है, और नानी बहुत अच्छे से उसका टेक केयर करते हैं, तो हम लोग मतलब मुझे ऐसा लगता है शायद इतना मर्जी ना पाऊं मैं तो बहुत टेक केयर करती हूँ, बट मम्मी जो है, मम्मी मतलब जो बड़ा रहता है वो बड़ा ही रहता है, तो मेरे से ज़्यादा अच्छा मम्मी टेक केयर करते, तो टेंशन की बात नहीं। जब बहुत छोटा था तब सिर्फ दो बार गई थी मैं, बट अभी बड़ा हो गया है वो रोता नहीं है, गुड बॉय हो गया, तो मैं जा सकती हूँ काम पे। मतलब मुझे ऐसे पूरा मतलब आज मुझे ऐसी फीलिंग नहीं आई, क्योंकि अभी वो बड़ा हो गया है ना। और आगे की लाइन भूल गई, घर पे जाके बताऊं। और माजिन का वेट करते हैं, अभी माजिन तो पूरा दिन मम्मा मम्मा कर रहा था, अभी हाँ। जाके देखेंगे कि क्या मम्मा की गोदी में उछल के आ जाए। सो लेट्स गो। सो अभी हम लोग कैब के लिए भाग भाग के जा रहे थे, और हम लोग को यहाँ पर मिरर दिख गया, तो हम लोग यहाँ पर रुक गए, और बहुत ही अच्छा बड़ा मिरर है, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत फोटो खींच लिए है, जो आपको इंस्टाग्राम पे अगर आपको फॉलो करना है तो फॉलो कर सकते हैं हम लोग का
हमारे डेली अपडेट के लिए। सो इंस्टाग्राम का लिंक नहीं आएगा, ये है आईडी, इस पे जाके आपको टाइप करना पड़ेगा और देन फॉलो करना पड़ेगा। What's your ID? No, by the way, my ID no, is very private. Oh, her ID is very private. Okay. तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो खाली। Yes, girl. मेरे उसमें आपको इसकी अपडेट मिल जाएगी, अगर देख रहे हो तो। Please guys, go and follow Marzina Khan. Don't follow me. I'm a very low key person. I want to be low key. Please motivate me to be a low key person. Low key, लोकन वाला। चलो अभी जा रहे हैं हम लोग कैब देखने। एंड बाय द वे दिस इज आउटफिट ऑफ द डे। एंड आज मैंने गुलरेस का कपड़ा नहीं पहना है। हेलो आयरा। हेलो मर्जी। तो मेरा एक मतलब क्वेश्चन था, सवाल था, जैसे न्यू मॉम है, तुम भी एक न्यू मॉम हो, तो बेबी को छोड़ के काम पे आना आपको कैसे फीलिंग लगती है? ओके, बट वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बताओ। नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर कोई है संभालने के लिए तो ठीक है, बट इफ यू गो टू सी नहीं करना चाहिए, अगर जरूरत नहीं है तो नहीं करना चाहिए। ओके, जरूरत है तो करना चाहिए, जरूरत है तो जरूर करना चाहिए। हाँ, तो ऐसा कुछ गिल्टी फीलिंग ही आनी चाहिए, राइट? कुछ ऐसा स्ट्रेस नहीं, मतलब अगर आपकी फीलिंग तो आती है क्यों नहीं आती? बिकॉज हम क्योंकि मैं जैसे न्यू मॉम है ना, उसको इंस्पायर कर सकते हैं अगर उनको काम पे जाना है। कभी कभी किसी को आती है, मुझे स्टार्टिंग में 2-3 बार जब मैंने की मुझे आई थी, बट आज मुझे नहीं आ रही क्योंकि बेबी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा है और मम्मी बहुत अच्छे से टेक केयर कर सकते हैं। तो फिर ठीक है ना, अगर मम्मी मेरी भी मम्मी टेक केयर करती है, बिकॉज़ आई नो दैट मेरी मम्मी अच्छे से टेक केयर करती है, इसके लिए मैं फ्रीली छोड़ के आ जाती हूं। गाइस, आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट, बट मुझे कुछ बोलना था। हाँ, मुझे ये बोलना था कि मुझे नहीं लगता कि ना मर्जीना आपा को जरूरत है काम करने की, और आयना को ये वाला पॉइंट काम करने की। नहीं 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 प्लीज। अच्छा साक्षी, आपको क्या लगता है, आप तो मॉम नहीं हो बट आपको मॉम टू भी है, तुमको मतलब ऐसे नहीं घर पे आराम करना? नहीं, अभी मेरी बेटी जैसे इंस्टाग्राम पे बहुत ट्रेंड हो रहा है कि मतलब मॉम इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, आपको जो करना है आपकी भी लाइफ है, आप भी कर सकते हो, तो तुमको क्या लगता है, जैसे छोटे छोटे बच्चे को छोड़ के आते तो आना सही है या गलत है? छोटे मतलब 1 साल के ऊपर हो गया अगर, yes. तो कर सकते हैं, राइट? yes, कर सकते। तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू, तुम्हारी ड्रीम्स भी होनी चाहिए, तुम्हारी लाइफ भी होनी चाहिए, तुम्हारी इनकम भी होनी चाहिए। बट ये रहा साक्षी का पॉइंट ऑफ व्यू, ना मेरा का घर पे रहो। वही मैं बता रही थी कि बचपन से मैं बहुत ज़्यादा वो एंथुसियास्टिक रही हूँ, बचपन से मतलब जब से मैंने होश संभाला है, मैं जब 10th स्टैंडर्ड में थी तब से मैं काम करती हूँ, और मतलब अल्हम्दुलिल्लाह सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, थी हूँ और हमेशा रहूँगी। yes. तो वही है मुझे थोड़ा फर्स्ट टाइम मतलब जब मार्जिन छोटा था, भैया यहाँ से जाओ, 2-3 बार मैंने मतलब 2 या 3 बार मैंने काम किया है जब वो छोटा था, तो मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी और बहुत अजीब लग रहा था। बट अभी मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो चुका है, क्योंकि मेरी मॉम है जो बहुत अच्छे से टेक केयर करती है मार्जिन की, तो मुझे टेंशन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पूरा मंथ और वो सब काम कर रही हूँ, मंथ में 3-4 बार तो मैं काम कर ही सकती हूँ। तो आप लोग भी अगर न्यू मॉम हो, अगर आपको लग रहा है कि आपको जाना चाहिए, तो ऐसी गिल्टी फीलिंग फील मतलब आने मत दो, तो यू कैन कभी कभी आ सकती है, कभी कभी रेगुलरली नहीं, थोड़ा बहुत बच्चे को भी टाइम देना चाहिए, थोड़ा काम पे भी ऐसे बैलेंस कर सकते हो आप। सो दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मुझे वो भी जानना है। सो कमेंट बिलो, एंड इसी के साथ एंड करते अपना व्लॉग। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल द टाइम दिस इज मर्जीना खान साइनिंग ऑफ। थैंक्स। मम्मा का फोन है नवीना। अच्छा मम्मा का फोन है, दे दो आज नवीना फोन दे, मम्मा का फोन है दे दो, नवीना फोन दो।